हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार, आरके गांधी कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है कि पार्ट एट वीडियो लेकर निर्धारण ज्यामिति में 7.2 के लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम तक। ठीक है, 7वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, थोड़ा नजदीक करके पढ़ते रहें ताकि समझ में अच्छा से आ जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1.4 है। मतलब मैं कहा बोल रहा है क्या कि ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1.4 दिया है। पहले इसको बना दिया है क्या कि एक यहाँ एक वृत्त है, ठीक ना, एक क्या है वृत्त है, और एक वृत्त आपका है तो एक वृत्त है और इसका एक व्यास है, तो व्यास हम बोलते हैं कि इसको कि वृत्त के एक एक छोर से, ठीक ना, वृत्त के एक छोर से यानी वृत्त के एक परिधि से सेंटर से जाते हुए दूसरे वृत्त के परिधि तक क्या है मिलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं व्यास कहते हैं, ठीक ना, इसी भाग को क्या बोलते हैं व्यास कहते हैं। और इसको जो बोल देंगे इससे क्या आपका हो जाएगा ही सेंटर हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, तो वृत्त का आपका ही केंद्र बन गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसमें दिया है क्या हमको ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ये यानी कि ए है और ये क्या है बी है, मैंने ए बी आपका वृत्त का व्यास है और इसमें ए का मान दिया है कितना 2, ए का केंद्र एक निशान निकालना है, ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र एक केंद्र का मान दे दिया है 2-3 दिया है और बी का मान दे दिया है 1.4 दिया है। तो हमको ए के मान हमको निकाल देना है, ए के हमको क्या करना है मान हमको निकाल देना, मैंने ए बिंदु पर के जो अपन नियामक है इसी का हमको मान निकालना है। तो कैसे देखिए निकालेंगे, यहाँ देखिएगा, ये लिखिएगा माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त का व्यास ये भी है, ये भी है, छोड़िए एक बार देखिए, माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त का व्यास क्या है ए बी है, वृत्त यानी कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है और जिसका व्यास क्या है इस वृत्त का मतलब व्यास जैसे क्या है ए बी है, तो हमको मान किसका निकालना है यानी एक्स और वाई का हमको मान निकालना है। हम गौर से देखिएगा कि ए बी जो आपका व्यास जो है, ठीक ना, ए बी व्यास आपका यानी कि बीच में आपका क्या है वो बिंदु है, तो वो बिंदु जो है से ए बी व्यास को यानी कि ए बी रेखा खंड को, ठीक ना, 1:1 में क्या डिवाइड करता है और त्रिज्या ऐसे भी हम जानते हैं कि वृत्त के आधा भाग को, ठीक ना, वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि के आधा भाग को हम क्या बोलते हैं इसको त्रिज्या कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक को भाग बोलते हैं क्या इसको हम त्रिज्या यानी कि वृत्त का त्रिज्या, और यहाँ से सेंटर से वृत्त के यहाँ तक ए बिंदु के परिधि तक हम क्या बोलेंगे इसको भी बोल देंगे त्रिज्या, और पूरा भाग को क्या बोल देंगे व्यास कर देंगे, मतलब ए बी रेखा खंड को वो जो है क्या है मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु का मतलब क्या कि आधा आधा भाग में बांटा है, तो ओ से लेके जितना ए तक भाग होगा उतना ही ओ से लेके बी तक भाग होगा, तो मान लीजिए कि ए से लेके ओ तक आपका भाग 1 हो जाएगा और ओ से लेके बी तक भी भाग इसको कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक ना, यानी कि ओ जो है से ए बी के मध्य में, ध्यान लिख दीजिएगा थोड़ा है, माना कि ओ केंद्र वाला, ठीक है, छूट गया है इसको लिख दीजिएगा कि ओ ए बी के मध्य बिंदु है,
यानी कि ओ ए बी के मध्य बिंदु है, तो ओ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए लिखिएगा प्रश्न से, ओ बिंदु का निर्देशांक क्या एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पास मान लीजिएगा कौन सी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसको एक्स इसको वाई मान लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको निकालना उसी को ना, हमको इसका मान निकालना है, एक्स वन और वाई वन के मान निकालना है। अब यहाँ देखिएगा कि ओ जैसे आपका ए बी के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू होता है और कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होता है, ठीक है। तो देखिए इसको x बराबर इतना आ गया, ये y बराबर हो गया, इसको दोनों पे अलग अलग थोड़ा बांट दीजिएगा, यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और इसको भी अलग कर दीजिएगा कि y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, ये था x के लिए, यह है y के लिए, इसको अलग अलग दोनों को बांट दिए। अब देखिए x है तो यानी कि ओ बिंदु पर का एक्स नियमा का मान कितना दिया, देखिए ओ बिंदु पर के एक्स नियमा का मान कितना दिया है, 2 दे दिया है बराबर। अब देखिए x1 प्लस x2, तो x1 बराबर x और x2 बराबर कितना है 1, यहां पुट कर देंगे कि x प्लस 1 और बाय 2। अब इसके यहां देखिएगा कि ओ बिंदु पर के y नियमा कितना दिया है, माइनस 3 दिया है बराबर, y1 प्लस y2 है तो y1 बराबर y और y2 बराबर 4, तो y प्लस 4 इसके यहाँ लिख देंगे बाय 2। अब यहाँ देखिए दो गुना के 4 बराबर में x प्लस 1 द्वितीय आई 6, तो माइनस हो जाएगा y प्लस 4, ठीक ना। इसको लाएंगे इस साइड तो प्लस, और प्लस में है तो क्या नहीं जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में x, और इसका है माइनस में 6 बराबर के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 4 बराबर में y, लिख देंगे 4 में से घटेगा तो 3 बराबर में x, और यहाँ आ जाएगा माइनस 10 बराबर में y, यहाँ लिखेगा कि x बराबर में 3 और y बराबर में माइनस 10, यहाँ लिखे कि अतः a बिंदु का मान, a बिंदु का मान क्या आ गया, देखिए a बिंदु का जो हमको मान आ गया वह क्या गया, x बराबर 3 और y बराबर माइनस 10, इसी के हम बोल रहा था x बराबर 3 और y बराबर हमको निकालना है, लिख दीजिएगा कि 3 माइनस 10 यह आपका आंसर हुआ। फिर उसी प्रकार से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, इसको भी थोड़ा नजदीक करके पढ़ रहे हैं ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। दिया है क्या, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। मतलब कह दिया क्या कि ए और बी क्रमशः -2, -2 और -4 हो तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, ठीक ना। पी जो है पी बिंदु वह किस पर स्थित हो, तो ए बी रेखाखंड पर स्थित हो। देखिए तो पहले यहाँ देखिएगा कि आपका पॉइंट एक ए है और आपका एक पॉइंट दूसरा जैसे पॉइंट आपका क्या है बी है, ठीक ना। जब दोनों हम ए और बी पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या है रेखाखंड का यहाँ पास निर्माण हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या है कि इसी ए बी रेखाखंड पर आपका एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है पी बिंदु नाम है, ठीक ना। तो पी बिंदु नाम है तो यहाँ बोल रहा है क्या कि हाँ, तो पी बिंदु के पी बिंदु जो नाम है तो पी बिंदु को हमको निर्देशांक क्या है मालूम नहीं है, पी बिंदु का जो मान जो है हमको मालूम नहीं है, इसी पी बिंदु के हमको नियामक निकाल देना है। ए बिंदु का इसमें मान जो है से दे दिया है, क्या दिया है -2, -2 दिया है
और बी बिंदु का मान जो दिया है दे दिया है कि 2, -4 दे दिया है। अब यहाँ बोल रहा है देखिए इसमें कुछ दिया है, इसके देखिए शॉर्टकट लिख रहा है, लिखिएगा थोड़ा लिखिए गिवन, ठीक ना। क्या दिया है, दिया इसमें क्या है कि एपी बराबर 3/7 एबी है, एबी है इतना दे दिया है, ठीक ना। यानी कि एपी बराबर आपका दिया है, यानी कि ए से लेके पी तक आपका जो है एपी बराबर 3/7 एबी है। तो पहले हम थोड़ा इस प्रकार से लिखेगा कि एपी इसको लाएंगे बटा में तो क्या हो जाएगा एबी बराबर में 3/7 हो जाएगा, माने एपी बराबर हो गया 3 और एबी बराबर हो गया 7, मतलब बना हो गया कि ए से लेके पी तक जो भाग है वह कितना है 3 है, और ए से लेके बी तक जो भाग है वह कितना दिया है 7 दिया है। लेकिन हमको क्या है ए और बी जो है से क्या है ए और बी के बीच में ना पी है, तो अंतर विभाजन आपका फिक्स है इसमें है, तो यहाँ ए से लेके बी तक हमको भाग दिया 7, लेकिन हमको पी से लेकर हमको बी तक हमको भाग मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पी बी में से यहाँ गौर से देखिए पी बी निकालना हमको है, तो क्या करते हैं कि ए बी में से ए पी को जब घटा देंगे तो हमको क्या है पी बी के हमको मान मालूम हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए इसमें यहाँ निकालेगा कि पी बी बराबर है ना, पी बी बराबर लिखेगा कि ए बी माइनस ए पी लिखेंगे, तो पी बी बराबर ए बी बराबर देखिए ए से लेकर बी तक भाग जो दिया से कितना दिया है 7 माइनस ए से लेकर पी तक, तो ए से लेकर पी तक भाग दिया कितना 3 दिया है, तो पी बी बराबर 7 में से 3 बटा दे कितना 4, माने पी से लेके बी तक जो भाग हमको आगे वह कितना गया 4 आ गया। जब 4 जब हमको आ गया इसको मान लेंगे एन, अभी क्या था ये आपका एन, ये ना आपका होगा, और इसको मान लेंगे एक्स वन, इसको मान लेंगे वाई वन, इसको मान लेंगे एक्स टू, इसको मान लेंगे वाई टू, इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको तो हमको पी बिंदु के मान निकालना ही था, तो पी बिंदु के मान निकालना है तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि अब पी बिंदु के देखिए मान निकालना है, तो पी बिंदु का मान निकालना ध्यान दीजिएगा कि पी इंटू एक्स कमा वाई, तो मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र से इसको चलेंगे तो क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है कॉमा फिर लिखेंगे कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है। अब यहाँ इसको लिखेंगे कि पी इंटू एक्स कॉमा वाई, यहाँ गौर से देखिएगा कि एम गुने एक्स टू है तो एम आपका कितना दिया है 3 दे दिया है, और एक्स टू जो है वह कितना दिया है 2 दे दिया है, इसको 2 पुट कर देंगे प्लस एन गुने एक्स वन तो एन बराबर 4 और एक्स वन बराबर जो है माइनस 2, यहाँ कर देंगे कि 4 गुने माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन है तो कितना में बटले है 3:4 में बटले है, तो 3+4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी इसको लिखेंगे देखिएगा कि m गुने वाई टू तो m बराबर कितना है 3 दिया है, और y2 बराबर कितना दिया है -4 तो माइनस इसको 4 लिख देंगे प्लस n गुने वाई वन तो n बराबर 4 और वाई वन जो दिया है -2 तो 4 गुने -2 डिवाइडेड बाई 3+4 है ना। चलिए इसको घेर दीजिए, लिखेगा कि p इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गुणा में है प्लस माइनस माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 8, 4 × 3 कितना हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा आपस में ना कॉमन, 4 × 3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 8, 4 × 3 कितना हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि पी इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर 8 में से 6 घटेगा तो कितना -2/7 बचेगा, और -12 और -8 है तो जोड़ देंगे तो -20/7 कितना हो जाएगा 7 आ गया, यानी यही जैसे हमको P बिंदु के मान क्या है मालूम हो गया। लिख दीजिएगा कि अतः पढ़ा देखे ना यहाँ पास से P बिंदु का मान जो है
सो माइनस दू बटा सात कॉमा माइनस बीस बटा सात, ये आपका आंसर रहा, ठीक ना, ये आपका आंसर रहा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए। धन्यवाद।